कामाख्या मंदिर जाने से पहले ये बातें जरूर जान ले। वो रहस्यमय मंदिर जहाँ देश के लाखों अघोरी करते हैं काली शक्तियों की पूजा, जिस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन हर साल यहाँ कुछ ऐसा होता है कि भक्त अचंभित रह जाते हैं। साइंस भी आज तक इस बात का रहस्य नहीं समझ पाया है। हम बात कर रहे हैं देश के सबसे रहस्यमय मंदिर कामाख्या देवी मंदिर की। तो अगर आप भी माँ कामाख्या का रहस्य समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। असम की राजधानी दिसपुर में एक ऐसा मंदिर है जहाँ साल में एक बार दुनिया भर के तांत्रिक और अघोरी इकट्ठा होते हैं। दिसपुर से बस 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलांचल पर्वत पर माँ भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्ति पीठ है। ये मंदिर सती के 51 शक्ति पीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है। यहीं पर भगवती की महामुद्रा यानी योनि कुंज स्थित है। कहा जाता है कि ये वही जगह है जहां माता सती ने भगवान शंकर के साथ कुछ प्रेम भरे पल बिताए थे। अब आप भी इस मंदिर के पीछे की कहानी जरूर जानना चाहेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देवी सती के पिता दक्ष ने एक महान यज्ञ आयोजित किया था, जिस यज्ञ में दक्ष ने सती और शंकर जी को आमंत्रण नहीं दिया था। भगवान शंकर नहीं चाहते थे कि माता सती उस यज्ञ में जाएं। शंकर जी ने सती को वहां जाने से रोका। इस बात पर दोनों में बहस हुई और देवी सती अकेली उस यज्ञ में चली गई। वहां उनके पिता दक्ष प्रजापति ने शिव जी का बहुत अपमान किया। इस अपमान को देवी सती सहन नहीं कर पाई और यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर दिया। जब ये बात शिव जी को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुए। शिव जी उस स्थान पर पहुंचे जहां यज्ञ हो रहा था। उन्होंने सती के मृत शरीर को आग से निकालकर अपने कंधे पर रखा और अपना विकराल रूप लेते हुए तांडव शुरू कर दिया। भगवान शंकर के क्रोध को देखते हुए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, जिससे देवी का शरीर 51 टुकड़ों में बटकर अलग अलग स्थानों पर गिर गया, जिन्हें देवी के 51 शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है। जिस जगह माँ शक्ति की योनि गिरी थी उस जगह को कामाख्या देवी का नाम दिया गया। कामाख्या देवी के मंदिर का एक सबसे बड़ा रहस्य है कि यहाँ हर साल 3 दिन पानी का रंग लाल हो जाता है। यह प्रक्रिया 3 दिन चलती है। इस दौरान यहाँ स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। इस वक्त यह मंदिर 3 दिन बंद रहता है। मंदिर से निकलने वाले इस लाल पानी को यहाँ आने वाले भक्तों के बीच बांटा जाता है। कहा जाता है कि ये 3 दिन माँ के पीरियड होते हैं। वैसे इस बात का कोई पौराणिक या ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि देवी के खून की वजह से नदी का पानी लाल हो जाता है। इस मंदिर का प्रसाद भी दूसरे शक्ति पीठों से बिल्कुल अलग है। यहाँ प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि जब माँ को 3 दिन का व्रतस्वला होता है तो सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तब वह वस्त्र माता के रक्त से लाल रंग से भीगा होता है। इस कपड़े को अंबुवाची वस्त्र कहते हैं। इसे ही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इसी वक्त यहाँ पर अंबुवाची मेला भी आयोजित किया जाता है। इस मंदिर का नाम कामाख्या मंदिर पड़ने के पीछे भी एक पौराणिक कहानी है। कहते हैं कि एक श्राप के चलते कामदेव ने अपना पौरुष खो दिया था, जिन्हें बाद में देवी शक्ति की योनि और गर्भ से ही इस श्राप से मुक्ति मिली। तब से इस मंदिर का नाम कामाख्या देवी पड़ गया और उसकी पूजा शुरू हुई। पूरी दुनिया से तांत्रिक यहाँ तंत्र साधना के लिए आते हैं। कहा जाता है कि जब तक किसी तांत्रिक को माँ कामाख्या का आशीर्वाद नहीं मिलता, उसे तांत्रिक सिद्धि नहीं मिलती। ये मंदिर हमें स्त्रियों की प्रजनन क्षमता का एहसास कराता है। ये मंदिर साबित करता है कि माँ अपने हर रूप में पावन है। माता की शक्ति के आगे पूरी दुनिया नतमस्तक है। तो फिर हम तो मामूली इंसान है, तो क्यों ना माँ कामाख्या देवी की भक्ति में एक बार जय माँ कामाख्या कमेंट कर दे। दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, ताकि वो भी माँ कामाख्या देवी के रहस्य को जान सके और माँ कामाख्या उनके सभी बिगड़े काम बना दे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।